जो नया आलमी निजाम बनाने जा रहे हैं, ये जो ग्लोबल ज़ायनिस्ट एजेंडा है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इसराइल के अंदर बैतुल मक़दस शरीफ में मस्जिद अक्सा की जगह के ऊपर टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया जाए और वहां से यहूदियों का मसाया आएगा, उनका मसीहा आएगा, तो जहां बैठकर ये पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करेंगे और ग्रेटर इसराइल कायम करेंगे। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये नया निजाम, ये ग्लोबल रीसेट जिसे ये कह रहे हैं, ये इन्होंने बर्पा करना है। ऑलरेडी इसको बर्पा करना शुरू कर दिया है कोरोना के बाद से। मकसद इनका ये है कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ पूरे पूरे माशरे तबाह कर दिए जाए, इंसानों को भूखा कर दिया जाए, फूड सप्लाई तबाह कर दी जाए, इंसानों को कहत में मुब्तला किया जाए, जंगे करवाई जाए, सबसे बढ़कर यह है कि मजहब और दीन और रूहानियत खत्म कर दी जाए। इस पूरे ड्रामे के अंदर आप फोकस करेंगे, खासतौर पर चूंकि इस्लाम इनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है, लिहाजा सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों की रूहानी इज्तिमाइयत पर हमला किया, हज बंद करवाया, उमरा बंद करवाया, दुआ की कबूलियत के तमाम रूहानी मकामात जहां पर उम्मत जाके दुआ करती थी वो बंद करवा दिए, सैयदी रसूलुल्लाह के दरबार मुबारक पर हाजिरी बंद करवा दी, जमात की नमाज बंद करवा दी। सैयदी ने फरमाया कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो वरना तुम्हारे दरमियान शैतान आता, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर शैतान बीच में खड़े कर दिए मुसलमानों की रूहानियत और इज्तिमाई। सैयदी ने फरमाया मुसाफा किया करो, इन्होंने मुसाफे बंद करवा दिए। ये सब कुछ बीमारी के लिए नहीं हो रहा, बीमारी है ही नहीं, वो साबित हम पहले कर चुके हैं। कोई अपवाद नहीं हो रही, कोई वायरस नहीं है, कोई पेंडेमिक नहीं है। जिस तरह घर में नाम नजला जुकाम फ्लू होता था या बिगड़ जाए बुजुर्गों में निमोनिया बन जाया करता था, बस वही है सब कुछ। कोई पाकिस्तान में अपवाद में इजाफा नहीं हुआ जो सालाना औसत है, कोई वबा नहीं फैली, कोई पेंडेमिक नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने सारा मामला जो करना था इस कोरोना के फसाद में, जो कहा कि पूरा आलमी निजाम, इस बात को जहन में रखें कि इस्लाम की रूहानियत और इज्तमाइयत को तबाह करना इनका बुनियादी मरकज है। जैसे इकबाल ने कहा था कि फितना फर्दा मजदकियत नहीं इस्लाम है, कि आने वाले दौर में इनके कुफर के निजाम को खतरा कम्युनिज्म से नहीं इस्लाम से होगा।